तो गाइस ई श्रम, जी हाँ दोस्तों, ई श्रम के बारे में कौन नहीं जानता। आज सभी वेली इसका लाभ उठा रहे हैं और अपने जगह पर ई श्रम कार्ड बना रहे हैं कि आपका कार्ड इस प्रकार से ऊपर नीचे। लेकिन आपको इसमें एक प्रॉब्लम और देखने को मिलेगा, केवल एक पेज में एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि ई श्रम कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, यानी आपका कागज की बर्बादी है। तो गाइस इसी बर्बादी को रोकने के लिए आज मैं आपको एक फोटोशॉप में बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप एक A4 साइज कागज में 5 श्रम कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, वो भी फोटोशॉप के मदद से। बिल्कुल छोटा सा वीडियो, सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक बार देखेंगे आपको वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और आप बड़ी आसानी से एक A4 साइज कागज में 5 ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुछ नए करें। गाइस यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट कुछ नया करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप CS3 में। मैं जो बताने वाला हूँ हर फोटोशॉप में वर्क करने वाला है, चाहे वह CS3 हो, CS2 हो या फोटोशॉप हो, सभी में वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक न्यू पेज ओपन करना है। उसके लिए आपको न्यू में जाना होगा या फिर कंट्रोल N प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में सिलेक्ट करना होगा इंटरनेशनल पेज, यहाँ आपका A4 साइज सेलेक्ट करना होगा और इसको ओके कर देना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक न्यू पेज मिल जाएगा। यहाँ से आपको मैं बड़ा करके दिखा दूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रूलर बार से, यहाँ से रूलर बार से माउस को दबा करके एक लाइन यहाँ पर ले आना है। यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आपको एक लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो उसी प्रकार से हम ऊपर से भी एक लाइन इस प्रकार से ले आएंगे, छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन और ले आए हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको बड़ा करके देखूंगा तभी समझ में आएगा। गाइस आपको पता होना चाहिए कि एक श्रम कार्ड या आधार कार्ड का साइज क्या होता है। साइज होता है यदि आप mm में लेते हैं तो 8.5 mm का होगा, यदि आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो लगभग 3.30 सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक रूल और लेना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं कोने में एक डब्बा टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको पकड़ कर खींच के यहाँ पर आपको लाना होगा, यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइन मिले हुए हैं आपको छोड़ देना होगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी आपको 0 लाइन मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको 0 लाइन मिल जाएगा। क्योंकि मेरा स्केल mm में है, आपका सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो मैं दोनों के लिए बतला रहा हूँ। यदि सेंटीमीटर में है तो 3.3 सेंटीमीटर और यदि mm में है तो 8.5 mm का आपका रूलर से और एक और लाइन खींच के लाएंगे। उसके लिए यहाँ पर जाना होगा और माउस पॉइंटर से इसको दबा करके इस प्रकार से 8.5 यहाँ देख सकते, ऊपर ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पर मैं 8.5 में इसको रख रहा हूँ इस प्रकार से, थोड़ा सा और हम कम कर लेंगे इस प्रकार से, छोड़ दिए। यदि आपका सेंटीमीटर में होगा तो आप 3.30 सेंटीमीटर में छोड़ देंगे उसको इस प्रकार से, ठीक है, देख सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से PSD साइज फोटोशॉप बना सकते हैं और इसको सेव करके रख सकते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और एक यहाँ से मैं एक कार्ड यहाँ पर आपको ला के दिखा दूँ। आपने जहाँ पर डाउनलोड किया है उसको यहाँ से जो PDF फाइल है इस प्रकार से ले आएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको, पहले वाले ऊपर वाले भाग को पहले सेलेक्ट कर लेना इस प्रकार से, और सेलेक्ट करने के बाद तो इसको पकड़ के लाना है इस प्रकार से और यहाँ पर इसको आपको छोड़ देना, छोड़ दिए। अब इसको यहाँ पर आपको बिठाना है, तो आपको मैं यहाँ से नजदीक से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ इसको आपको सेट करना है, सेट करने के बाद आपको इसको छोटा करना है और छोटा करते समय आप ख्याल रखेंगे शिफ्ट का बटन आपको दबा करके रखना है। यदि नहीं चाहते शिफ्ट का बटन दबाना तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ऊपर देख सकते हैं यहाँ आपको एक एज के बाजू में मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिक से सेट हो जाएगा और ये जो है छोटा बड़ा नहीं, मतलब ये आधा तिरछा नहीं होगा। तो इसको हम इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। आप शिफ्ट का बटन दबा कर भी आराम से इसको कर सकते हैं। फिर इसको डबल क्लिक किए, हो गया। तो चलिए हम दूसरा भाग को भी इस प्रकार से ले आते हैं। यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे नीचे वाले भाग को इस प्रकार से, और यहाँ से फिर मूव टूल में क्लिक करेंगे और इसको उठा करके आपको यहाँ ले आना है। तो चलिए इसको फिर से मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ ला करके आपको इसको छोड़ देना है और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए आपको इसको छोटा करना है। छोटा करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर मिला लेना है, आपको यहाँ बड़ा करके देख लेना है ढंग से मिला है या नहीं मिला है। तो हमारा दोनों बराबर मिला हुआ है। अब ऊपर रूलर बार से एक और लाइन खींच के लाएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, छोड़ दिए, ठीक है। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ से आप लेयर 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या करेंगे, हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो दोनों आपस में देख सकते हैं जुड़ गया। इसको अब इस प्रकार से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर राइट कॉर्नर में देख सकते हैं एक लाइन आपको और लाना होगा इस प्रकार से, यहाँ पर लाइन ला के छोड़ दिए, हो गया, देख सकते हैं अपना लाइन जमता जा रहा है। और इसको थोड़ा सा हमको नीचे करना है इस प्रकार से, थोड़ा सा आपको नीचे कर लेना है और ऊपर से फिर एक लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसको सीधा नीचे ले आते हैं, ले आए और फिर से इसको एक और रूलर लगा देंगे, फिर से थोड़ा सा नीचे आते हैं और एक रूलर फिर से लाएंगे और यहाँ थोड़ी दूर में फिर से एक लगा देंगे और इसको उठा करके फिर नीचे लाते जाएंगे। इस प्रकार से प्रक्रिया आपको पूरा कर लेना है। तो चलिए फिर से आते हैं, यहाँ पर एक रूलर और लगा देते हैं, फिर से नीचे आएंगे इस प्रकार से,
तो आप जितने भी कार्ड तैयार किए हैं सबको ओपन करके यहाँ पर आपको रखना है और इसको क्या करना है, इस प्रकार से कटिंग करके यहाँ पर आपको सेट करते जाना है। इस प्रकार से उठाना है, यहाँ पर डाले, साइड में रखे, सीट के साथ इसको छोटा किए। अब दूसरे वाले भाग को इस प्रकार से लाना है। तो इस प्रकार से आप जितने भी कार्ड बनाए होंगे सभी को ओपन करना है, इस प्रकार से लाना है और इस वाले खांचे में आपको बिठाते जाना है। ये देख सकते हैं आप, इसको एक साथ बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हो A4 साइज में और ये आपके बिल्कुल आधार कार्ड साइज में होगा। यदि आपका लेमिनेशन मशीन है तो बिल्कुल ये उस साइज में आ जाएगा। तो गाइस, यदि आपको यह बनाना नहीं आता या फिर बना बनाया हुआ आपको PSD फाइल चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है और वहाँ ग्रुप फाइल में जा करके एक फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड होने के बाद आपके डेस्कटॉप में इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो उसमें जाना है, जाने के बाद उसमें राइट क्लिक करना है, उसमें ओपन विथ में जाना है, फिर आपको इसको एडोब फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेना, चाहे आप कोई भी फोटोशॉप यूज कर रहे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये हर प्रकार के फोटोशॉप में वर्क करेगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो देख सकते हैं वेट करने के बाद आपको डायरेक्टली ये बना बनाया फाइल मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस टेलीग्राम में जाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। तो इसी प्रकार से और नए नए टॉपिक के बारे में वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।